आप लोगों की बहुत ही पसंद है, और आप लोगों ने फिल्म में कौन कौन सी डेस्टिनेशन गए और कहाँ का एंजॉय किया, अगर आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने दुनिया को कोई फुकरा स्पॉट नहीं छोड़ा है। दिल्ली 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 दिल्ली। बट आई थिंक एक कॉमन फुकरा स्पॉट हम सबका ही होगा, वो होती है कैंटीन। वो बेशक स्कूल की हो या कॉलेज की हो, अगर टाइम पास करना है तो कैंटीन, बंक मारना है तो कैंटीन, और अगर कुछ भी नहीं है तो भी कैंटीन। तो आई थिंक सबसे बड़ा फुकरा स्पॉट कैंटीन ही होता है, जहाँ बिल्ला हलवाई के छोले भटूरे मिल जाए। उससे बेहतर तो क्या है फिर। बट आप रियल पूछ रहे हो ना, रियल में पंडारा रोड क्या? तो हमारे पंडारा रोड दिल्ली पंडारा रोड, यहाँ पे तो हम लोग बड़ा पाव खा लेते हैं यार। जनपद खान मार्केट, जनपद सरोजनी नगर, जीके वन, एम ब्लॉक। इतना उधर का तो बताओ जहाँ खा पाए वो। मुंबई में वड़ा पाव? नहीं नहीं, मैं तो धीरज जाओ, धीरज वड़ा पाव खाओ। फिल्म ज्यादा दिल्ली में शूट हुई है ना, मुझे तो ये पसंद है। अमर जूस पे जाके डोसा खाया कभी? अमर जूस, अरे वाह, ऑसम। बट 100% प्योर वेज। एक और फुकरा स्पॉट होता है जब रात को कुछ नहीं मिलता और गाड़ी के बोनट के ऊपर, यहाँ पे मतलब डिक्की के ऊपर पाव भाजी जो मिलती है ना इस सड़क पे, ओए भाई इतनी है। भुर्जी पाव भी मिलता है? नहीं, मैं वेज आदमी हूँ यार। बिना चटनी प्याज के तो मजा आता ही नहीं है। मसाला मसाला पाव, अरे उसका मसाला पाव बहुत अच्छा है यार। वो बैंड स्टैंड पे कौन सा है? खुर्शीद सॉरी मतलब वो एक कुछ राज होते हैं जो उस स्पॉट के ही होते हैं। थोड़ा सस्ता मिल जाए टिक्की पे, यू नो, पाव भाजी खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, बातें करते हुए, यू नो, तो फील ही अलग आता है। गेड़ी तो शेड़ी, गेड़ी तो शेड़ी। आप लोग किधर खाते हो? सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा आपका? आपका फुकरा स्पॉट कौन सा? अरे सही है, आप बहुत क्यूट हो यार। अच्छा, ये चेंज डेट चेंज की गई है, हमने देखा 8th ऑफ दिसंबर अब है। कोई खास वजह? वापस अपनी डेट पे आ गए, वापस पहले 8 थी, स्टार्टिंग में 8 था यार, था जब अनाउंस हुआ था, फिर 15 था, अब 8 वापस हो गया। हां ना, इसका जो जवाब दे सकते हैं वो एक्सेल के ऑफिस में बैठे हैं। वो तो है, लेकिन अगर अगर हमने इसमें कुछ भी जवाब दिया, आपने कुछ भी छाप दिया, तो फिर कल हम रितेश सिद्वानी की डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन कर रहे होंगे। हमारे सामने पोस्टर आया कि 8 दिसंबर लिखा था, हम खुद हैरान हो गए। तो फिर हमने 8th को ओरिजिनल जो डेट थी 8th, तो उसी पे वापस आ गए। ओरिजिनल डेट यार, ऑलवेज वांटेड 8th, नाउ फॉर व्हाटएवर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट रीजंस, बट या वी आर बैक टू 8th, व्हिच इज नाइस, सो वी गेट लाइक अ गुड, होपफुली अ गुड रन। हमारा स्वैग से स्वागत करिए। हो गया था कि 8th को ही आना चाहिए। अच्छा, इसलिए ओके। आज की शाम कितना एंजॉय करने वाले हैं आप लोग यहाँ पर? दबा के खाने वाले नहीं, बट बहुत सी ऑब्वियसली जैसे इसने बोला, बहुत सा सबसे ज्यादा यही खाता है। हाँ, सबसे ज्यादा ये खाता है, लगता भी नहीं तो फायदा है। करेक्ट, बट बहुत खाने वाले हैं, बहुत गप्पे मारने वाले हैं ना। ऑब्वियसली अब कहीं पे भी बाहर आते हैं और दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, खाना और बातें अगर हो जाए तो उससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं। बंदा जी किस लिए रहा है? खाने के लिए। और खाना अच्छा ना मिले तो फिर जीना बेकार है।